गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है डे 19 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का। और गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ओलंपिक्स गो पेरिस 2024। तो आपको बताइए अभी पेरिस में ओलंपिक्स आने वाले हैं, तो आज हम वही ओलंपिक्स खेलने वाले हैं। इसमें अलग अलग खतरनाक कॉम्पिटिशन होते हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अभी आप देख सकते हो हम लोग को टीम सेलेक्ट करनी है, तो अपन अभी इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चूज योर नेम, अपन यहाँ पर अपना नाम रख देंगे। चलो फटाफट से रजिस्टर हमने कर दिया है और अभी हम लोग पेरिस में यहाँ पर आ चुके हैं। चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली हमारी 100 मीटर की रेस। अभी हमने यहाँ पर अपना कैरेक्टर बना दिया है, फटाफट से कम्पीट करते हैं। सबसे पहला चैलेंज अपना ये होने वाला है हाउ टू प्ले। अरे मुझे नहीं सीखना, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली रेस 100 मीटर की। अभी आप देख सकते हो ये 8 कंटेस्टेंट यहाँ पर आ चुके हैं अलग अलग कंट्री से, और हम है टीम इंडिया। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर फाइनल से होने वाला ये। रेडी सेट गो। होने वाला गो। भागो जल्दी भागो 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 भागो। मुझे कैसे भी करके फर्स्ट आना पड़ेगा। भागो 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 जल्दी। अभी तो मैं फिलहाल फर्स्ट पर चल रहा हूँ और मुझे इसको फर्स्ट पर ही फिनिश करना पड़ेगा। कर दिया। 10.82 सेकंड्स में मैं यहाँ पर फर्स्ट आ चुका हूँ। सेकंड पर ये पता नहीं कौन सी कंट्री, थर्ड पर पता नहीं कौन सी कंट्री, ये कंट्री मुझे पता नहीं सारी की सारी कौन सी, पर फर्स्ट हम आ चुके हैं जो की टीम इंडिया। और गाइस अब यहाँ पर बारी आ चुकी है सेमीफाइनल्स की। पहले थे क्वार्टर फाइनल्स, अब आ चुके हैं सेमीफाइनल्स, तो अब इसमें भी फर्स्ट आना पड़ेगा। रेडी सेट 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 गो। भागो 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 भागो। मुझे उस रेड पर नहीं जाना, आराम से भागना पड़ेगा। नहीं मैं दिक्कत कर रहा हूं। 1 2 1 2 1 जितनी बार मैं रेड पर जा रहा हूं उतनी बार मैं हार रहा हूं। रुक जाओ, क्या मैं जीत गया, फिर से जीत चुका हूं मैं। इस बार थोड़ा मुश्किल था, पर गाइस इंडिया वापस से फर्स्ट आ चुकी है। और ये लैट पता नहीं कौन से डे में, यहां पे पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश तो 8th आई है। चलो अब चलते हैं फाइनल्स में। मेरे ख्याल से इस बार फाइनल्स होने वाले हैं और हमें इस रेड पर यहाँ पर टच नहीं करना। रेड पर टच करने से हमारी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है और ये वाला बहुत मुश्किल भी होने वाला है। लेट्स गो। भागो 1 2 3 गो 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 गो। भागो 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 जल्दी जल्दी भागो। मुझे फुल स्पीड में भागना पड़ेगा, मैं फर्स्ट पर अभी भी चल रहा हूँ। भागो जल्दी जल्दी आराम से। और इस बार भी मैं आ चुका हूँ फर्स्ट। तो गाइस आप देख सकते हो फर्स्ट पर है इंडिया, सेकंड पर है कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया मुझे दिखाई दे रहा है, इसराइल मुझे दिखाई दे रहा है, केन्या मुझे दिखाई दे रहा है, पर हम यहाँ पर फर्स्ट पर आए, मतलब फर्स्ट गोल्ड मेडल हमें यहाँ पर मिल चुका है ओलंपिक्स का। और आप देख सकते हो फर्स्ट पर हूँ मैं, सेकंड पर है डीओप नाम का कोई और थर्ड पर भी कोई, तो उनको उनसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें यानी इंडिया को मिल चुका है गोल्ड मेडल। और गाइजर अभी यहाँ पर अपना सेकंड कंपटीशन आ चुका है आर्चरी का, मतलब तीरबाजी का। फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। और गाइजर अभी अपना नया कैरेक्टर यहाँ पर मिल चुका है, इसी के साथ खेलेंगे। तो गाइजर अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्वार्टर फाइनल्स में आर्चरी के। यहाँ पर 8 कंटेस्टेंट टोटल आ चुके हैं और हमें वापस से टीम इंडिया। गाइजर अभी यहाँ पर फटाफट से एम करेंगे, बिल्कुल सीधा मुझे बुल्स आई पे मारना पड़ेगा। बूम। और ये क्या 10 points। और गाइस जो दूसरा अपोनेंट है मेरा उसके सिर्फ 6 points मिले और मुझे 10 points। चलो वापस से मेरी बारी आ चुकी है, वापस से शूट करेंगे। बूम। और ये वापस से 10 points और मेरे अपोनेंट को सिर्फ 4 points मिले। मैं जीत तो ऑलरेडी चुका हूँ, एक और बार मारेंगे 10 points। बिल्कुल बुलसाई मारने की कोशिश करते हैं। बूम। और ये क्या 10 points, 30 points टोटल मुझे मिले और जो मेरा अपोनेंट था उसको सिर्फ 16 points मिले। अब बारी आ चुकी है मेरी वापस। मेरा अपोनेंट है MAS, ये कौन सी कंट्री होती है मुझे ज्यादा कंट्रियों के नाम भी नहीं पता। और गाइस अब यहाँ पर विंड भी चलने लग चुकी है तो हमें विंड का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वापस अपन 10 पे मारने की कोशिश करेंगे और ये 10 यस उसको सिर्फ 6 points मिले और मुझे यहाँ पर 10 points मिल चुका है। वापस से मारेंगे और ये फिर से 10। मैं तो बहुत ही खतरनाक आर्चर हूँ, क्या एक खतरनाक निशाने लगा रहा हूँ। टीम इंडिया को मैं वापस से गोल्ड मेडल जिताने वाला हूँ। वापस से 10 points, 30 points टोटल मुझे मिले और उसको 20 points जो कि हमारा अपोनेंट था। अब आ चुका है गोल्ड मेडल मैच, मतलब यार इसमें हम जीत सकते हैं गोल्ड मेडल इंडिया के लिए। चलो शुरू करते हैं। इसमें विंड और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है तो हमें ढंग से खेलना पड़ेगा। बूम 10 points यस। इस बार उसने 8 points किए, इस बार जो हमारा अपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर कोई बात नहीं हम वापस से 10 points लेकर रहेंगे। 20 points मेरे यहाँ पर हो चुके, एक और बार 10 मारेंगे और हम ये जीतने वाले हैं। बूम
30 पॉइंट्स, उसके 25 थे, मेरे 30 थे, इसका मतलब मैं ये वाली आर्चरी में भी गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। तो आप देख सकते हो टीम इंडिया जीत चुकी है वापस से एक और गोल्ड मेडल। रनिंग में हमने जीत लिया, आर्चरी में हम जीत लिया, अब देखते हैं अगला कौन सा होने वाला है। तो गाइस अगला जो स्पोर्ट होने वाला है वो है फेंसिंग, यानी जो स्वॉर्ड फाइटिंग होती है ना वो। चलो फटाफट से चलते, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये देखो पूरा का पूरा सूट मैंने पहन लिया है और फटाफट से शुरू करते हैं। और गाइस हम लोग आ चुके हैं फेंसिंग में, ये हमारा एक और खतरनाक सी फाइट होने वाली है। दो गोल्ड मेडल ऑलरेडी हमें मिल चुके, हमें सारे के सारे गोल्ड मेडल चाहिए होंगे। और गाइस यहां पर स्टार्ट हो चुके स्विट्जरलैंड वर्सेस इंडिया, इंडिया हुए और गाइस इसको फटाफट से मारने वाले हैं। और ये पॉइंट मुझे मिलना चाहिए, यस मैं जीत गया। हमें ये स्वॉर्ड सामने वाले अपोनेंट पर टच करवानी पड़ती है और मैं यहां पर जीत चुका हूं। और अब बारी है इंडिया वर्सेस यूक्रेन की, तो देखते हैं क्या हम यूक्रेन से भी जीत सकते हैं। यहां पर स्टार्ट होने वाला ये एंग्रेट प्रेट्स, अलग से पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। और गाइस यहां पर थोड़ा सा ये हार्ड हल ऑलरेडी हो चुका है, 1 2 3, और यहां पर मैं उसको मारूंगा 1 2 3। और गाइजर ये तो इस बार बहुत ही तगड़ा डिफेंड कर रहा है, पर ये मेरे से खतरनाक नहीं हो सकता। मैंने उसको यहाँ पर टच कर दिया है और मैं फिर से ये वाला राउंड भी जीत चुका हूँ। और गाइजर अब बारी है फाइनल्स की, गोल्ड मेडल के लिए मैच होने वाला है, हम बिल्कुल तैयार है एक और आखिरी राउंड के लिए। इसमें मैं जीतने वाला हूँ कैसे भी करके, बूम बूम बूम, मुझे यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर क्लिक करना पड़ेगा वरना हम ये हार सकते हैं। बूम बूम बूम, और इसको टच कर दिया। और गाइजर मैं ये वाला राउंड भी जीत चुका हूँ और ये पूरा का पूरा मैच भी, और गोल्ड मेडल मिलता है मुझे यानी टीम इंडिया को। यहाँ पर मैंने 3-3 गोल्ड मेडल जीत लिए इंडिया के लिए, पर अभी भी हम रुकने नहीं वाले, जितने के जितने स्पोर्ट्स हैं सब में मैं गोल्ड मेडल जीत कर आऊंगा। और गाइजर अभी यहाँ पर हमारी एथलेटिक्स की एक और रेस आ चुकी है, इस बार जो कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, तो हमें ढंग से ट्राई करना पड़ेगा जीतने का। हमें वापस से गोल्ड मेडल कैसे भी करके चाहिए टीम इंडिया के लिए। चलो फटाफट से तैयार हो जाते, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 का, क्या हम इसको बीट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, पर हम जीत जरूर सकते हैं। लेट्स गो, रेडी सेट गो, जल्दी जल्दी कराओ। और यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, रेडी सेट गो, भागो भागो, मैं फर्स्ट चल रहा हूँ, मैं जीत के रहूंगा कैसे भी करके। लेट्स गो लेट्स गो, मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, मेरे से कोई नहीं जीत सकता। और ये फर्स्ट, और गाइजर मैं फिर से फर्स्ट आ चुका हूँ, टीम इंडिया ऑन टॉप। चलो गाइजर क्वार्टर फाइनल्स हो गए, अब बारी सेमीफाइनल्स की। चलो फटाफट से रेडी हो जाते, बिल्कुल खतरनाक सी हमारी रेस के लिए, इसमें भी हम जीत के रहेंगे कैसे भी करके। चलो 3 2 1 गो, भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो, जो रेड बार है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, पर फिर भी हम कैसे भी करके जीत के रहेंगे क्योंकि हम है टीम इंडिया। और फिर से मैं तो यहाँ पर जीत चुका हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। पर गाइजर अब बारी आ चुकी है फाइनल्स की, रेडी सेट, और हम यहाँ पर बिल्कुल तैयार है भागने के लिए, रेडी सेट गो, भागो 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 भागो, मुझे कैसे भी करके इस बार फिर से जीतना पड़ेगा। फर्स्ट पर मैं चल रहा हूँ, भागो भागो जल्दी जल्दी भागो, मैं जीत कर रहूंगा मैं जीत कर रहूंगा। और ये फिर से टीम इंडिया यहाँ पर फर्स्ट आ चुकी है, मैं तो बहुत ही खतरनाक ओलंपिक्स खेलता हूँ। वापिस से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट आ चुके हैं, आप देख सकते हो टीम इंडिया वरुण पेरिस 2024 गोल्ड हमें मेडल यहाँ पर मिल चुका है। और गाइजर हमारे यहाँ पे नया स्पोर्ट भी अनलॉक हो चुका है जो कि है शूटिंग। और गाइजर हम लोग आ चुके हैं शूटिंग के लिए, फटाफट से चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। हमारा नया नया स्पोर्ट यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर हमें जो फ्रिस्बीज उड़ेंगे इनको फोड़ना है अपनी गन की मदद से। और इसमें भी आपको बताइए कौन जीतने वाला है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल तैयार है अपनी गन के साथ, और ये फ्रिस्बी आई और बूम, और उसको मैंने यहाँ पर फोड़ दिया। और गाइजर और कहाँ पर है फ्रिस्बी, फ्रिस्बी फ्रिस्बी आया, और ये फ्रिस्बी आई बूम। तो गाइजर दोनों फ्रिस्बीज को मैंने यहाँ पर उड़ा दिया, यहाँ से फिर से आने वाली है बूम, फिर से जीत गया, और फिर से आएगी, और एक और बार। गाइजर मैंने 4 बार तो ढंग से उड़ा दिया है, अब बस 2 बार और करना बाकी है और फिर हम जीतने वाले हैं बूम। क्वार्टर फाइनल्स तो मैं ही जीत कर रहूंगा, बूम। और इसी के साथ टीम इंडिया आती है फर्स्ट, और बाकी ये सब सबके सब पता नहीं। इसके देखो 3, इसने सिर्फ 3 मारे, इसने 2, बाकी सबने 0। मैंने 6 की 6 फ्रिस्बी यहाँ पर फोड़ दिए, और अब बारी आ चुकी है सेमीफाइनल्स की, और ये फ्रिस्बी आया और ये बूम, वापस से
सिक्स आउट ऑफ सिक्स हमें फोड़ना पड़ेगा और ये दो यहाँ पर फोड़ दिए, लोकेशन हमारी चेंज हो चुकी है। आ जाओ फ्रिस्बी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये फ्रिस्बी आई बूम, और ये फ्रिस्बी आई बूम, चार बार मैंने इनको फोड़ दिया है, सिर्फ दो बार और फोड़ना बाकी है। आजा 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 बूम, एक और बार फोड़ेंगे, कास आएगी कास आएगी बूम। और गाइजर मैं फिर से जीत गया, सेमीफाइनल्स भी मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, अब बारी है फाइनल्स की। आ जाओ फाइनल्स भी मैं ही जीतने वाला हूँ। ये फ्रिस्बी आई और ये गई, तो गाइजर मुझे इस पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक मैं इस पे फोकस करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो गुड लक, ताकि मैं सारे के सारे स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल ला सकूं। और ये बूम, ये भी गया। अब सिर्फ दो फ्रिस्बी और फोड़ना बाकी है और हम फाइनल्स में भी जीत जाएंगे। बूम, ये गया, आखिरी आखिरी सिर्फ आखिरी बचा है, कहां से आएगी बूम। और गाइजर ये क्या, मैं तो ये भी जीत चुका हूँ, हम आ चुके हैं फर्स्ट और हमें गोल्ड मेडल अपना मिल चुका है। टीम इंडिया को फिर से गोल्ड मेडल मिल चुका है। मैंने अभी तक पता नहीं 4-5 गोल्ड मेडल जमा कर लिए, मैं तो गिनती भी भूल चुका हूँ। आप फटाफट से कमेंट करके बताना मैंने कितने गोल्ड मेडल टोटल जमा कर लिए। और गाइजर अगला स्पोर्ट यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, जो कि होने वाला है गोल्फ। तो फटाफट से चलते हैं, गोल्फ में भी गोल्ड मेडल जमा करते हैं। और गाइजर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं गोल्फ के क्वार्टर फाइनल्स में, सारी की सारी कंट्रीज हमारे साथ आ चुकी है और हम बिल्कुल तैयार हैं इसमें भी गोल्ड मेडल जीतने के लिए। फटाफट से इस बॉल को मारेंगे, बढ़िया सा शॉट हमें मारना है और इसको फटाफट से रिलीज करते हैं। 1 2 3 और ये गई सीधा होल इन वन, हमने यहाँ पर कर दिया। अब वापस से बारी आ चुकी है, सामने हमारा होल है 12 यार्ड्स दूर, तो हमें 12 यार्ड्स का यहाँ पर लगाना पड़ेगा और इसको शूट करेंगे बिल्कुल सीधा, ये जाना चाहिए। 1 2 3 और ये गई 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 होल इन वन। गाइजर क्या ही खतरनाक सा शॉट मैंने यहाँ पर मार दिया है, मुझे नहीं पता था मैं गोल्फ में भी इतना ज्यादा अच्छा हूँ। मैंने आज तक कभी गोल्फ खेला नहीं है, पर गाइजर ओलंपिक्स के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वापस से सीधा शॉट मारेंगे और ये गया, और इसी के साथ होल इन वन वापस से यहाँ पर हो चुका है और हम क्वार्टर फाइनल्स में जीत चुके हैं, टीम इंडिया सबसे ऊपर। तो बारी आ चुकी है सेमीफाइनल्स की और यहाँ पर थोड़ी सी विंड भी आ चुकी है, तो हमें थोड़ा उसका ध्यान देना पड़ेगा। विंड से थोड़ा मुश्किल होता है खेलना, पर गाइजर हम कैसे भी करके जीतने वाले हैं, कुछ भी हो जाए हम इसको डंक से मारेंगे, वो भी होल इन वन में। और ये गया, थोड़ा सा आगे चला गया था पर वापस से रिवर्स होके वो चला गया सीधा होल इन वन। तो गाइजर इसी के साथ अगली बारी भी अपनी यहाँ पर आ चुकी है, 11 यार्ड्स का इसका साइज है, इसको लेके जाएंगे 11 यार्ड्स पे और सीधा मारने वाले, होल इन वन होना चाहिए और ये गया सीधा होल इन वन। तो गाइजर ये हमारा आखिरी स्पोर्ट होने वाला है, इसलिए मुझे बिल्कुल ढंग से खेलना पड़ेगा, हमें कैसे भी करके इसमें गोल्ड मेडल तो चाहिए ही चाहिए। तो फटाफट से 11 यार्ड्स इसका वापस से होने वाला है और हम इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से शूट करेंगे। 3 2 1 बूम, और गया 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 गया, होल इन वन यहाँ पर वापस से हो चुका है और हम सेमीफाइनल्स में जीत चुके हैं। इसका मतलब आखिरी फाइनल हमें खेलना बाकी है। कोरिया सेकंड पर है पर इंडिया फर्स्ट पर है, बाकी सारी कंट्रीज तो बहुत ही नीचे है। अब चलते हैं अपन फाइनल्स में, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। विंड यहाँ पर और भी ज्यादा फास्ट थोड़ी हो चुकी है, 13 यार्ड्स इसका है, तो फटाफट से लेकर चलते हैं यहाँ पर सीधा शॉट, हम इसको मारेंगे। 1 2 3 जा 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 जा, ये क्या हो गया, रुक जाओ, चारिये चली गई, हवा की वजह से हमारी बॉल चली जा चुकी है सीधा उसके अंदर और यहाँ पर अगला शॉट हमारा आ चुका है। चलो गाइजर फटाफट से मारेंगे एक बहुत ही खतरनाक सा शॉट, ताकि ये भी होल इन वन हो जाए। अरे ये क्या हो गया, ये तो थोड़ा सा पीछे रह चुकी है, पर गाइजर टेंशन मत लो, हम इसको यहाँ पर पहुंचा के रहेंगे सीधा होल के अंदर, लेट्स गो डन। तो होल इन वन तो नहीं हो पाया, पर दो शॉट में यहाँ पर हो चुका है। अब ये आखिरी शॉट मुझे यहाँ पर मिलने वाला है, इससे हमें गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो गाइजर हमें कैसे भी करके इसको एक ही बारी में डालना पड़ेगा, देखते क्या मैं कर पाऊंगा। 3 2 1 चले जा, नहीं जा पाया, पिछली बार की तरह यहाँ पर रुक चुका है। इस बार गोल्ड मेडल मिलना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर क्या देखते क्या हमें गोल्ड मेडल मिल पाएगा। और ये गया सीधा अंदर, ये इजी था, चलो देखते क्या हम जीत पाएंगे, क्या मैं जीत पाऊंगा, प्लीज 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 प्लीज, फर्स्ट मेडल वॉन इन गोल्फ। और इसी के साथ मैं फिर से जीत चुका हूँ, गोल्ड मेडल यहाँ पर मिल चुका है। तो गाइजर आज मैंने सारे के सारे स्पोर्ट्स में टीम इंडिया को सब में गोल्ड मेडल यहाँ पर दिला दिया है। आप देख सकते हो टीम इंडिया ने
कितनी बार फर्स्ट पर हम आ चुके। ये तो बहुत ही खतरनाक था, पेरिस ओलंपिक्स गेम सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। तो अगर आप चाहे तो टीम इंडिया असली पेरिस ओलंपिक्स में भी हर गेम में फर्स्ट आए, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगला गेम हम कौन सा खेले फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस आज की वीडियो से मिलता है, अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बता रहे की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।